बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले क्लास 8 का 1.2 का सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चा, इस बार हमें रेक्टेंगल की जगह एक दूसरा शेप दिया गया है जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा वाला? आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में बच्चों हमें क्या समझना है? बहुत सिंपल पॉइंट समझना है जिसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, दो साइड इक्वल होती है, इतना पॉइंट हमें पता है। ऑलरेडी हमने पहले स्टैंडर्ड में, छोटे स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों जब भी ऐसे पॉइंट होते हैं तो आपको क्लियर करना है, दो साइड हमें इक्वल दी होगी, बेस दिया होगा और कोई इंफॉर्मेशन दी होगी। तो बच्चों सबसे पहली लाइन क्या लिखी हमने? ए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि सब में दिया हुआ है आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो बच्चों अभी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी पॉइंट है, द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है। तो हमें पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 × 4 × 2/15 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ अ रिमेनिंग साइड इक्वल। तो हमें क्या पूछा गया है बच्चों? तो हमें लेंथ पूछी गई है, दो साइड इक्वल है उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें क्या दिया गया है? बेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम लिखते हैं, तो द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल वो दिया हुआ है BC इज इक्वल टू बच्चों कितना दिया हुआ है? तो BC आप बोलोगे सर हमें दिया गया है बच्चों, लिखो 4/3 सेंटीमीटर। हमें जो इक्वल साइड दी गई है उसका भी हमें लिखना पड़ेगा, लेट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल AB and AC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। जो AB एंड AC है उसका क्या होगा? x सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो कितना दिया गया है बच्चों? 4, वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल फ्रैक्शन में ला देंगे। क्या करेंगे बच्चों? नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो आप बोलोगे सर 15 × 4 = 60, 60 + 2 तो अब होगा 62, और यहाँ पे 15 × 15। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 15 × 4 = 60 + क्या करना है बच्चों? 2 करना है। तो हमें मिल जाएगा, ये हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। जैसे पेरीमीटर मिल जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो क्या होगी? पेरीमीटर साइड का टोटल होगा। तो हमारी साइड क्या है बच्चों? तो AB plus BC, पहले BC को नहीं लेते, BC आखिर में रखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं AB plus AC plus BC, क्योंकि हमारा AB और BC एक ही है, X है। तो आपको बोलोगे सर यहाँ पे 62/15 दिया हुआ है, AB हमें बच्चों दिया गया है, X हमने किया गया है, तो यहाँ पे X, और BC होगा 16/15, कितना होगा? 62/15, और यहाँ पे जो साइड दी गई है वो BC है, वो है 4/3 बच्चों, 4/3 है, ये तो हमारा पेरीमीटर है जो हमने लिख दिया। इसके बाद आप बोलोगे सर क्या करना है? तो नंबर एक साइड लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं 2x + 4/3, और यहाँ पे होगा 62/15, कितना होगा बच्चों? 62/15। अभी सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम लेते हैं 62/15 - 4/3, और यहाँ पे 2x। तो आप बोलोगे सर अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम कितना लेंगे? 15, तो 15 लेंगे तो ये हो जाएगा 62 माइनस, आप बोलोगे सर ये 3 है तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 5 यहाँ से, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो ध्यान क्या रखना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ पे 2x, तो आप हो जाएगा 20 माइनस करोगे तो आप करोगे 52, उसमें से 10 और माइनस, तो 42/15 = 2x। अभी आप बोलोगे सर 42/15 ये मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन में जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी आगे चलते हैं, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये 2 कट हो जाएगा, 21 हो जाएगा अपॉन 15x,
बच्चों ये स्टेप समझना, बहुत जल्दी नहीं करनी है, समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि आप देखते जाओ यहाँ करें तो हम यहाँ ये प्लस था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेने के लिए तो 20 आया, 62 माइनस 20 तो 42 आया, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था तो सामने आएगा तो डिवीजन में आएगा। तो बच्चों यहाँ जैसे ये पॉइंट खत्म होता है उसके बाद आप बोलोगे सर 7 3 जा एंड 5 3 जा आर 15 एंड 21, तो आप 3 3 कर लोगे तो हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पे हमारी एक साइड की वैल्यू आ जाएगी, दो साइड की मतलब, क्योंकि दोनों साइड की एक ही वैल्यू है। आप बोलोगे सर जब भी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हो तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है, तो हम एक छोटा सा कैलकुलेशन लिखते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तो 5 1 5 यहाँ होगा कितना होगा बच्चों 2 होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो आया, आप बोलोगे क्वेश्चन, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख देना है 5 एज इट इज, जो था वो जो हमारा वो क्वेश्चन है वो लिखेंगे यहाँ 1 और रिमाइंडर को लिखेंगे 2 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम आखिर में मैं डायलॉग वो लिखना पड़ेगा, वो आपको लिखना है, इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी एंड ए सी लेंथ इज इक्वल टू 1 × 2/5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो भी आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से समझो, ये बहुत इजी है, हर एक में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे तो ये बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 था, 6 में हम जाएंगे सम नंबर 4 में। अच्छी तरह लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, आप मुझे पॉज कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।